ओके गाइस, ओके। सो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है ना, एक एक BST मिला हुआ है, एक ट्री मिला हुआ है, और आपको क्या करना है, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है उसमें से। ठीक है, तो कैसे कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे? लेट से मेरे को है ना, मेरे को थर्ड थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है इसमें। तो अगर ये एक नॉर्मल नॉर्मल ट्री होता तो आप क्या कर रहे होते, आप इन सब की वैल्यूज को एक जगह रख रहे होते, उनको सॉर्ट कर रहे होते, और सॉर्ट करके क्या कर रहे होते, उसमें से जो फर्स्ट थर्ड एलिमेंट होगा उसको प्रिंट कर रहे होते। क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, अगर ये सिंपल ट्री होता तो क्या कर रहे होते आप, कोई सा एक ट्रैवर्सल लगा रहे होते। लेट से आप लेवल ऑर्डर लगा रहे होते, या इन ऑर्डर लगा रहे होते, या प्री ऑर्डर लगा रहे होते, पोस्ट लगा रहे होते, कोई भी ट्रैवर्सल लगा रहे होते, है ना, कोई भी ट्रैवर्सल लगा रहे होते। तो ठीक है, ये ट्रैवर्सल लगा के आप बिग ऑफ एन में जो है इनकी वैल्यूज अपने पास रख लोगे, है ना, इनकी वैल्यूज अपने पास रख लोगे। फिर उसको 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 सॉर्ट कर दोगे, उसको सॉर्ट कर दोगे। सॉर्ट किस में कर सकते हो, बिग ऑफ एन लॉग एन में कर सकते हो। सॉर्ट करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज पड़ी हुई होंगी वो कुछ इस तरह से पड़ी हुई होंगी, 2 3 4 5 7 8 9। तो इसमें जो फर्स्ट फर्स्ट थर्ड एलिमेंट होगा, फर्स्ट थर्ड एलिमेंट होगा इस केस में 4 है, तो इसको क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहेगा। तो ये तो सीन रहेगा जब कोई एक नॉर्मल बाइनरी ट्री हो, बट इन केस ऑफ BST वी ऑल नो दैट द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ BST इज अ सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, इज ऑलवेज अ सॉर्टेड ऑर्डर। मतलब क्या कहना हुआ है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता है BST का, वो क्या होता है, सॉर्टेड होता है। ये तो हमको पता है ना, क्यों, क्योंकि उसके लेफ्ट में सारी उसके छोटी होती है, नोड सारी छोटी होती है, राइट में सारी बड़ी होती है, इक्वल होती है ना। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमारा BST का क्या होता है, सॉर्टेड होता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके ना हम ये सॉर्टिंग वाली चीज बचा सकते हैं, अपनी सॉर्टिंग वाली चीज बचा सकते हैं। क्या करेंगे ना, हम सिंपल सिंपल इन ऑर्डर लगाएंगे बजाय प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, या कोई लेवल ऑर्डर, या कोई और ट्रेवर्सल के इन ऑर्डर लगाएंगे। तो जैसे हमने इन ऑर्डर लगा के हमारे को वैल्यूज मिलेंगी ना, वो ऑलरेडी सॉर्टेड मिलेंगी, ऑलरेडी सॉर्टेड मिलेगी, तो हमें सॉर्ट करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंस हमको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम अपना काम जो है ऑफ एंड में कर सकते हैं। ठीक है, सारी सॉर्ट करके एक जगह रख लो और उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, थर्ड को रिटर्न कर दो। तो ये वाली अप्रोच से हम बिग ऑफ एन, है ना, बिग ऑफ एन में काम कर रहे होंगे, है ना, मतलब बिग ऑफ एन टाइम एंड बिग ऑफ एन स्पेस। ठीक है, बिग ऑफ एन स्पेस में। अच्छा, ऑन द अदर हैंड यार, इसको सबको एक जगह करके क्यों रखना है, इसको थोड़ा इंप्रूव हम ऐसे कर सकते हैं कि बजाय इसको स्टोर करके रखने के, एक काउंटर वेरिएबल रख लो ना। तुमको लेस से थर्ड थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए, थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए, तो एक काम करो, एक काउंट वेरिएबल बना लो जो इनिशियली 0 है, और ट्रेवर्स करना शुरू करो इन ऑर्डर में। तो पहले तुम इस पे आओगे, अपने काउंटर वेरिएबल की वैल्यू कर दो 1, तो तुम्हारे को 2 मिल गया। फिर तुम जाओगे इस पे, फिर तुम्हारे काउंटर वेरिएबल हो गया, काउंट हो गया 2, तुम्हारा काउंट हो गया 2। अभी भी ये 3 के इक्वल नहीं है, तो ठीक है, तो तुमको 3 मिल गया। उसके बाद जैसे ही तुम इस पे गए, तुम्हारा जो काउंटर है वो हो गया 3, और तुम्हें मिल गया 4, और ये तुम्हारा काउंटर जो है ये इक्वल हो गया तुम्हारे इस 3 के। आगे सॉल्व मत करो, आगे सॉल्व मत करो, बस बस इसको ही रिटर्न मार जाओ, इसको रिटर्न मार जाओ। इससे तुम्हें लेना देना, इससे इससे तुम्हें लेना देना नहीं है। तो इसको हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बिग ऑफ के में। ठीक है, बिग ऑफ के में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसको। इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करना शुरू करे जाओ, और के एथ में इसको फाइंड करके हम दे सकते हैं। बट एक सीन है, हो सकता है कि हमारा ना ट्री ऐसा हो, मैं इसको रब कर देता हूं, हो सकता है हमारा हमारा ट्री कुछ ऐसा हो, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यहां से शुरू करने के लिए मुझे पहले यहाँ पे लेफ्ट 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 करके सब पे आना पड़ेगा, और फिर लेट से मेरे को थर्ड प्रिंट करना है, तो फिर मैं उठ उठ के यहां से जाऊंगा एक एक करके, है ना। तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ के है ना, ये नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि हमें
यहाँ तो आना ही पड़ा ना, यहाँ पे तो सारी नोड पे ट्रैवर्स करके ही तो आना पड़ा ना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने सिर्फ इन्हीं तीन नोड्स पे ट्रैवर्सल करा है, ये हम नहीं कहेंगे, हमने एक्चुअली सभी नोड्स पे ट्रैवर्स करा है। तो इसलिए ना, इसलिए कभी भी इन इन टाइप के क्वेश्चंस में, इन टाइप के क्वेश्चंस में हम ये नहीं कहते कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल है बिग ऑफ के, कि जितनी नंबर ऑफ जितनी के स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नोड्स चाहिए तो तुम्हें तुम्हारी उतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि तुम सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहे हो। सकता है तुम्हारा ट्री ऐसा हो, ये भी एक बीएसटी है, ये भी तो एक बीएसटी है ना। इसके लेफ्ट में सारी जो है स्मॉलर है और राइट में वो है, राइट में कुछ है नहीं आई मीन। तो ठीक है, तो कुल मिला के ना, कुल मिला के इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना आप बिग ऑफ एन ही कहोगे, है ना, बिग ऑफ एन कहोगे। फाइन, तो ये थी इसकी सिंपल सी अप्रोच सॉल्व करने की, ये थी इसकी सिंपल सी अप्रोच सॉल्व करने की। फटाफट से देख लेते हैं इसका कोड। कोड तो गाइस इसका बहुत सिंपल है, ये मैंने बोला था आपको काउंटर वेरिएबल रख लो और यहाँ पे आप आउट में अपना आंसर रखोगे। ठीक है, रिकर्सिव या फिर इनऑर्डर ट्रैवर्सल मार दे, इनऑर्डर ट्रैवर्सल है ये। तो अगर लेफ्ट इसका नल नहीं है तो लेफ्ट में कॉल लगा दो, राइट नल नहीं है तो राइट में कॉल लगा दो, काउंटर बीच में प्लस करते रह रहे हो। जैसे ही तुम्हारा काउंटर जो है बड़ा, आई मीन इक्वल हो जाए के, उस वक्त अपने इस आउट वेरिएबल में उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू करके रिटर्न मार जाओ। ठीक है, क्या कर रहे थे हम इसमें, यही तो कर रहे थे ना इस वाले केस में। एक मिनट इसको रब कर लेते हैं। इस वाले केस में हमको थर्ड थर्ड की वैल्यू चाहिए थी, थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए था। तो क्या कर रहे थे, पहले इस पे आ रहे थे, इस पे आ रहे थे, इस पे आ रहे थे। जैसे ही हमारा यहाँ इस पे आने के बाद हमारा काउंटर 3 हो जा रहा था, तो आगे चेक नहीं कर रहे थे, आगे पे ट्रेवर्स नहीं कर रहे थे। ठीक है, यहीं से रिटर्न मार जा रहे थे इसकी वैल्यू को, इसमें रिटर्न नहीं कर रहे, इसको स्टोर कर रहे हैं ना, कुछ भी कर सकते हो आप, रिटर्न भी कर सकते हो। तो ठीक है, इसको यहाँ पे कर देंगे और फाइनली हमारे आउट वेरिएबल में जो होगा फाइनल आंसर होगा उसको मार देंगे रिटर्न। फाइन, तो ये था इसका सिंपल सा कोड और एल्गोरिदम। आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, कैसे हम इसको बिग ऑफ एन में टाइम एंड बिग ऑफ एन टाइम एंड स्पेस में इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।